श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नामरे शपथ करूअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। ओडिशा में आज पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। शाम 5 बजे राजधानी भुवनेश्वर में मोहन चरण माझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। माझी के साथ कनक वर्धन सिंह देव और प्रावती परिदा ने भी डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली। 11 जून को बीजेपी के सुपर सीनियर लीडर और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के सीनियर लीडर भूपेंद्र यादव ने मोहन चरण माझी, कनक वर्धन सिंह देव और प्रावती परिदा के नाम की घोषणा की थी। 24 साल बाद एक बार फिर ओडिशा को आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है। शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। पीएम आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह के संपन्न हो जाने के बाद सीधा ओडिशा पहुंचे और मोहन चरण माझी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मोहन चरण माझी ने पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के सीएम भी भुवनेश्वर पहुंचे और मोहन चरण माझी की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कुछ इस तरह ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी का शपथ ग्रहण समारोह भव्य और दिव्य रूप से संपन्न हुआ। लेकिन अब बात करते हैं कि कौन है ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और कैसे बने ओडिशा के लिए बीजेपी के पहली पसंद। 11 जून को 52 साल के मोहन चरण माझी को बीजेपी विधायकों ने दल के नेता के रूप में चुना था। माझी ने ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। माझी क्योंझर से लगातार 4 बार विधायक चुने गए हैं। दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया। इसी के साथ राज्य में 24 साल बाद नवीन पटनायक की बीजेडी सत्ता से बाहर हो गई है। बीजेडी को 147 सीटों में से 78 सीटें मिली। नवीन पटनायक साल 2000 से लगातार 2024 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे। नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री के पद पर 24 साल और 98 दिन तक बने रहे। अब मोहन चरण माझी ओडिशा की कमान संभालेंगे। मोहन चरण माझी के बारे में। मोहन चरण माझी खनिज संपन्न ओडिशा के केंदुजहर जिले के एक मजबूत और तेज तर्रार आदिवासी नेता हैं। माझी एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और ओडिशा विधानसभा में अपने प्रदर्शन के लिए खूब जाने जाते हैं। माझी को बीजेपी का एक विश्वसनीय सदस्य और एक मजबूत सांगठनिक नेता माना जाता है। माझी ने 2011 में ढेंकनाल लॉ कॉलेज उत्कल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट LLB और 2011 में सेम होइगोन बोहम इंस्टीट्यूट एट टेक्नोलॉजी एंड साइंस से MA किया है। माझी के दक्षिणपंथी विचारधारा से ओतप्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी मजबूत संबंध है। माझी का राजनीतिक करियर 2 दशकों से अधिक का है। जनसाधारण से जुड़ने की उनकी क्षमता, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों ने माझी को लोकप्रियता दिलाई है। 4 बार के विधायक के रूप में माझी को ओडिशा की शासन प्रणाली की गहरी समझ है और माझी ने इस क्षेत्र में बीजेपी की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि माझी एक तेज तर्रार आदिवासी नेता हैं, उसकी एक झलक हम आपको यहाँ पर बताते हैं। बात 2023 की है। ये वो वक्त था जब मोहन चरण माझी ने ओडिशा के विधानसभा के अंदर स्पीकर के पोडियम पर बहस के दौरान दाल फेंक दी थी। इसके बाद माझी को सभा से सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि माझी और उनके विधायक सहयोगी मुकेश महालिंग ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने दाल फेंकी। उन्होंने इसे केवल स्पीकर को भेंट किया था। MyNeta.info पर ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान इलेक्शन कमीशन को दिए गए हल्फनामे के मुताबिक मोहन चरण माझी ने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा पेश किया था। ओडिशा के नए सीएम के पास ग्रेजुएट डिग्री और उन्होंने अपनी कुल चल अचल संपत्ति करीब 1.97 करोड़ रुपए बताई थी। इसके साथ ही उन्होंने इस हल्फनामे में अपनी देनदारी का भी खुलासा किया और बताया कि उनके ऊपर 95.98 लाख रुपए का कर्ज है। अलग अलग 9 बैंक खातों में पति पत्नी के नाम पर 10.92 लाख रुपए जमा है। उनकी पत्नी के नाम पर SBI में एक फिक्स्ड डिपॉजिट है जो 51 लाख रुपए की है।
ओडिशा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक रहे मोहन चरण मांझी की कार पर 2021 में क्योंझर जिले में अज्ञात हमलावरों ने बम फेंके थे, जिसमें मांझी बाल बाल बचे थे। ये धमाका क्योंझर कस्बा थाना अंतर्गत मंडुला इलाके में तब हुआ था जब बीजेपी विधायक श्रमिक संघ की बैठक में भाग लेकर घर लौट रहे थे। मांझी ने FIR कराते हुए मोटरसाइकिल सवार बदमाशों पर दो देसी बम फेंकने का आरोप लगाया था। उन्होंने उस समय की सत्ताधारी पार्टी BJD के स्थानीय नेताओं पर हमला कराने के आरोप लगाए थे। बहरहाल अब ताजपोशी हो चुकी है। BJP का एक तेज तर्रार आदिवासी नेता अब ओडिशा का नया मुख्यमंत्री बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।